साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों से। गाजियाबाद में रेप के बाद हुई थी बच्ची की हत्या, दरिंदे ने शरीर को नोचा, प्राइवेट पार्ट में भी चोट लगी। सीएम योगी ने सुनी 300 लोगों की फरियाद, बोले हर बात एक ही बात कहना उचित नहीं, अधिकारी खुद तय करें अपनी जिम्मेदारी। सत्ता के बिना बेचैन है अखिलेश यादव, प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले मैनपुरी और रामपुर में खिलेगा कमल। नाबालिग के साथ गैंग रेप के बाद हत्या, मथुरा पुलिस ने दो आरोपी किए हैं गिरफ्तार, आरोपियों ने किशोरी के दुपट्टे से गला घोटकर की थी हत्या। पाकिस्तानी हैकर्स के निशाने पर राज्य मंत्री सुनील भराला, भाजपा नेता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, अकाउंट हैक, पुलिस जांच में जुटी। अयोध्या में मजदूरों से भरी ऑटो ट्रॉली से टकराई, हादसे में एक की मौत, 5 घायल, तरुण छेद की घटना है। सीतापुर में स्वास्थ्य कर्मियों का डांस, नौकरी पक्की होने पर सीएससी में स्वास्थ्य कर्मियों ने मनाया जश्न। मुरादाबाद में 4 घंटे तक बंद रहेगा कपूर कंपनी पुल, रेलवे इंजीनियर कर रहे हैं निरीक्षण, 3 लाख की आबादी होगी प्रभावित। वरमाला पहनाते ही दुल्हन की मौत, दिन में ब्लड प्रेशर लो हुआ था, रात में स्टेज पर चक्कर खाकर गिरी। किसान आराम से करें खेती, डीएपी की नहीं दिक्कत, सरकारी समिति के अलावा खाद आम दुकानों पर 1350 रुपए में खाद उपलब्ध है। शाहजहांपुर में कम प्लेटलेट्स मामले में शासन को जाएगी रिपोर्ट, 10 अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की रिपोर्ट सीएमओ को सौंपी। इटावा में विद्युत कर्मियों का धरना समाप्त, करीब 1.5 करोड़ के बिल नहीं हुए जमा। प्रयागराज में रिश्वत लेते बीपी सीएम का वीडियो हुआ वायरल, सीएमओ बोले जांच के बाद होगी कार्रवाई, कई बार हो चुकी है आशा की वसूली की शिकायत। महुआ में सड़क पर वैन बनी आग का गोला, ड्राइवर ने कूद कर बचाई अपनी जान, शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदेशा। बलिया के सहतवार नगर पंचायत के वार्ड 12 का हाल, जगह जगह पर पसरा कूड़ा, लोगों ने कहा सड़कों की स्थिति खराब। मामली विवाद में 3 लोगों पर चढ़ाई गई कार, लखनऊ में एक युवक की मौत, 2 घायल, चाय पीते समय हुई थी कहां सुनी। आजमगढ़ में युवक के शव की हुई है पहचान, पिता ने दर्ज करा बेटे के दोस्त पर मुकदमा, जांच में जुटी पुलिस। पीलीभीत में विवेचना में मनमानी, दरोगा को पड़ी भारी है, किए गए सस्पेंड, एसपी ने कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप। वैसी खेल प्रतियोगिताओं का पीलिया बना चैंपियन, दिघासन व मितौली उपविजेता, विजेता बच्चों व टीम पर खूब बरसे पुरस्कार। रायबरेली में ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत, पुलिस जांच में जुटी, अभी तक नहीं हो सकी है पहचान। मुनि
राज ने संभाला अयोध्या एसएसपी का कार्यभार, बोले शहर की सुरक्षा जन सुनवाई कर जनता को संतुष्ट करनी पहली प्राथमिकता। गाजियाबाद में एक रात में 6 गाड़ियों के ईसीएम चोरी, कार से आए थे चोर, हथौड़े से शीशा तोड़कर 1.5 मीटर में पार्ट चुराया। एफआईआर न दर्ज कराने पर इलाज का समझौता, खाकी ने दामन पर दाग बचाने को बोला हर कदम पर झूठ, नाबालिग का एक पैर कटा। दहेज पीड़िता की कब्र की शुरू हुई खुदाई, मेरठ में लाचार पिता ने पति ससुराली जनों पर लगाया था बेटी की हत्या का आरोप। मैनपुरी में पुलिस से बचने को तालाब में कूदा युवक, मदद के लिए चिल्लाता रहा, लोग वीडियो बनाते रहे। लखनऊ में अंबरगंज चौकी में चोरों का आतंक जारी है, चोरों ने एक घर में बड़ी चोरी की, घटना को दिया है अंजाम और हो गए फरार। रायबरेली में भीषण सड़क हादसा, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल, मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने किया है शिकायती ट्वीट, चुनाव प्रचार थमने के बाद लगाया जनसभा करने का आरोप। संभल में ग्राम प्रधान की दबंगई सामने आई है, राशन डीलर के प्रस्ताव की जांच, पड़ताल करने पहुंची टीम पर किया गया पथराव। लखनऊ के ककोरी गोलीकांड में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, पुलिस ने मुख्य आरोपी शिवा उर्फ शमशेर यादव को दबोचा। अमेठी में जगदीशपुर विधायक सुरेश पासी ने स्वास्थ्य विभाग की खोली है पोल, जनता की शिकायतों पर सीएससी शुल्क बाजार का क्या निरीक्षण। औरैया में नहीं रुक रही हैं चोरियां, चोरों ने फोटो स्टेट की दुकान के ताले चटकाए, लाखों का सामान किया पार। फरुखाबाद में फांसी के फंदे पर झूला युवक, पुलिस ने रक्षक बस बचाई जान, किसी बात से नाराज होकर बीती रात लगा ली थी फांसी। गाजियाबाद के मोदी नगर में हेलीकॉप्टर पे हुई दुल्हन की विदाई, देखने वालों की उमड़ी भीड़, दुल्हन बोली बचपन से यही सपना था। हमीरपुर में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर दो कारों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, हादसे में 4 की दर्दनाक मौत, 2 गंभीर रूप से घायल हुए। हरदोई में आरोपियों को पुलिस ने पैर में मारी है गोली, खबर सुनकर पिता की हार्ट अटैक से मौत, 11 दिन पहले युवती से रेप के बाद की थी हत्या। कन्नौज में सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख के स्कूल पर चला प्रशासन का बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बना था स्कूल। हरदोई में 5वें दिन भी हड़ताल कर रहे हैं विद्युत कर्मी, प्रबंधन पर तानाशाही करने का लगाया आरोप, स्थगित कार्यों का उपभोक्ता परेशान। कानपुर में इरफान सोलंकी पर पुलिस का कसा है सिकंजा, पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने प्रेस वार्ता मीडिया के माध्यम से दी गई जानकारी। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में कार में लगी है आग, मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के वैदिक इंटर कॉलेज के पास की घटना है। कानपुर में सेंगर हत्याकांड में मास्टरमाइंड के गुर्गे का बढ़ रहा है आतंक, हिस्ट्री शीटर का तमंचे पे डिस्को करते पुराना वीडियो सामने आया। बाहुबली विजय मिश्रा का बड़ा एक्शन, लखनऊ में 11 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई।
रायबरेली में दबंग दरोगा ने युवक को पीटा, पीड़ित ने युवक एसपी से लगाई है न्याय की गुहार। लखनऊ में पार्षद अनीता पाल ने 8 रोडों का किया है शिलान्यास। शंकरपुरवा द्वितीय वार्ड की पार्षद हैं अनीता पाल। रायबरेली में अज्ञात ट्रक ने युवक को कुचला, मौके पर ही दर्दनाक मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। एक बार फिर उजागर हुई है लखनऊ विकास प्राधिकरण की करतूत। पुलिस कुर्सी रोड सिस्टी अपार्टमेंट के जी ब्लॉक की लिफ्ट में 20 मिनट तक फंसी रही महिला। रायबरेली में निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल। बीते 4 दिनों से अनवरत चल रहा है आंदोलन। संभल में 13 वर्ष के बच्चे की शादी रुकवाना पड़ा मां को भारी। पति और ससुराल के लोगों पर धारदार हथियार से हमला और मारपीट का आरोप। रायबरेली में स्कॉर्पियो सवार 5 दबंगों ने मोटरसाइकिल सवार युवक को मारी है टक्कर। टक्कर के बाद दबंगों ने युवक की जमकर की धुनाई। संभल में ग्राम प्रधान की दबंगई सामने आई है। राशन डीलर के प्रस्ताव की जांच पड़ताल करने पहुंची टीम सहित ग्रामीणों के ऊपर किया गया पथराव। रायबरेली में विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर हुआ कार्यक्रम। कार्यक्रम में शामिल हुए अदिति सिंह ने कहा कि योजनाओं से लाभान्वित कराना मेरी प्राथमिकता। संभल में 2 पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर जमकर हुई है मारपीट। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर शुरू की कार्रवाई। सोनभद्र में एक युद्ध नशे के विरुद्ध जागरूकता रैली का हुआ है आयोजन। पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर किया है रवाना। श्रावस्ती में डीएम व सीडीओ ने ताबड़तोड़ की है गौशालाओं का निरीक्षण। औचक निरीक्षण के बाद लापरवाही पर कार्रवाई का दिया निर्देश। सुल्तानपुर में विधायक विनोद सिंह ने सड़कों का निर्माण का किया शिलान्यास। जल्द से कार्य शुरू करवाने के लिए दिए हैं निर्देश। अमेठी में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे दुकान में घुसी। ट्रक ड्राइवर हुआ घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने पहुंचाया सामुदायिक अस्पताल। औरैया में तेज रफ्तार कार ने ट्रक को मारी है टक्कर। हादसे में लगभग आधा दर्जन कार सवार हुए हैं घायल। सभी घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। खबर चलने के बाद डिप्टी सीएम विजय पाठक ने लिया है संज्ञान। सीएमओ को दिए हैं 2 दिन का अल्टीमेटम। कहा 2 दिन में रिपोर्ट करें। लखनऊ में फिर चली तबादला ट्रेन। 5 डिप्टी एसपी के तबादले। अजय कुमार राय बने डीसीपी शाहजहांपुर। गाजियाबाद में तेज गति से चलती कार की छत से बैठकर युवक कर रहा था स्टंटबाजी। स्टंटबाजी का वीडियो हुआ है वायरल। सरोजनी नगर पुलिस ने किया है अनोखा खुलासा। पूरे प्रदेश में बालू मोरंग की बिक्री में होता है खेल। चौकी इंचार्ज ट्रांसपोर्ट नगर किया खुलासा। मैनपुरी में उपचुनाव में मतदान को लेकर भारी सुरक्षा व्यवस्था। लोकसभा क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। रायबरेली में फुटवियर प्लाजा दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी है भीषण आग। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। मेरठ में छींक आते ही युवक की गिरकर मौत।
रात में दोस्तों के साथ आ रहा था, अचानक पैर लड़खड़ाए और तोड़ दिया दम। कुएं में गिरे पति को पत्नी ने जिंदा निकाला। अलीगढ़ में शराब के नशे में गिर गया था ड्राइवर, बेहोशी की हालत में 4 दिन कुएं में था। आगरा झांसी रेलवे ट्रैक पर हुआ है बड़ा हादसा, ट्रेन की चपेट में आकर 14 गौवंश कटे। सुबह मलपुरा के पास हुई दुर्घटना। बाराबंकी में ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत, रेलवे ट्रैक पार करते समय हुआ हादसा, घर में मचा कोहराम। रायबरेली में बड़ा हादसा होने से टला, बस ड्राइवर ने बचाई 80 लोगों की जान, बोला अचानक गाय सामने आ गई थी लेकिन बचा लिया। स्वच्छता अभियान के समापन पर सफाई कर्मी सम्मानित। औरैया में डीएम बोले सफाई अभियान के आयोजन में सभी लोग बने प्रतिभागी। मुरादाबाद में गौहत्या के खिलाफ राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदर्शन, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि योगी के राज में भी नहीं रुक रही है गौहत्याएं, पुतला दहन किया। बुलंदशहर में महिला की रोडवेज बस में हुई है डिलीवरी, बेटे को जन्म दिया, इटा जा रही थी, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ। शाहजहांपुर में ट्रैक्टर की टक्कर से बुजुर्ग दंपत्ति की मौत, बाइक से रिश्तेदार ही में जा रहे थे, मीरानपुर कटरा के पास गाड़ी ने कुचल दिया। उन्नाव में पालिका ने कराया पौधारोपण, सार्वजनिक स्थानों पर जमा कूड़े को साफ कर लगाए पौधे, चूने का कराया गया था छिड़काव। फिरोजाबाद डीएम ने ली है जिला स्वच्छता समिति की बैठक, स्वच्छ भारत मिशन के जिला समन्वयक को सेवामुक्त करने के आदेश। हमीरपुर में घायल को नहीं मिल रहा है समय पर इलाज, परिवार के लोगों को बुलाने की बात कही, पुलिस के कहने पर किया इलाज। फिलहाल 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही, देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी, नमस्कार।